हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में फाइंड द एडिटिव यूनिवर्स के बारे में जानेंगे कि एडिटिव यूनिवर्स हम कैसे निकालते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं कि हम एडिटिव यूनिवर्स निकालते कैसे हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि एडिटिव यूनिवर्स होता क्या और कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या है कि 7 है। तो पहले तो मैं ये बता देना हूँ कि एडिटिव यूनिवर्स का पहचान क्या होता है, एडिटिव यूनिवर्स किसको बोलते हैं। तो एडिटिव यूनिवर्स का मतलब है कि स्टूडेंट कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया, जैसे 7 है, जैसे कोई भी नंबर आपको दिया हुआ, तो उस नंबर में हम ऐसा कौन सी संख्या हम प्लस करें कि हमें 0 प्राप्त हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर जैसे देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है 7 है, तो 7 किस में स्टूडेंट, प्लस में। तो हम इस 7 में ऐसी हम कौन सी संख्या प्लस करें कि हमें 0 प्राप्त हो जाए। अगर ये 7 प्लस में है, अगर हम इसमें माइनस का 7 अगर हम प्लस कर दें, यहाँ पर देखिए 7 किस में, प्लस में, अगर हम इसमें माइनस का 7 प्लस कर दें तो हमें क्या 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो हमारा माइनस का 7 है, ये हमारा एडिटिव यूनिवर्स कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे देखिए 7 है, ठीक है, और 7 प्लस में, और हम इसमें अगर हम प्लस करते हैं माइनस का 7, ठीक है, तो 7 हो गया और प्लस माइनस माइनस होता है और 7, तो हमें क्या 0 मिला। तो हम इस संख्या में किसी भी संख्या में ऐसा कौन सा नंबर हम प्लस करें कि हमें 0 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हमने प्लस 7 में हमने कौन सी संख्या प्लस किया, माइनस का 7, तो हमें माइनस का जो 7 है ये हमारा एडिटिव यूनिवर्स कहलाएगा। तो ये तो था, ये तो स्टूडेंट समझाने के लिए मैंने बताया था, लेकिन आपको डायरेक्ट करना है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्ट आपको क्या करना है, सिर्फ साइन को चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस का 11 है। ठीक है स्टूडेंट, तो माइनस का 11 है, तो इसका एडिटिव यूनिवर्स क्या होगा, प्लस का 11, सिर्फ आपको साइन चेंज कर देना है। ठीक है, अगर कोई भी संख्या माइनस में है तो उसको प्लस में कर देना है, अगर कोई भी संख्या प्लस में है तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 11 था, तो ये हो गया प्लस का 11, तो ये हमारा एडिटिव यूनिवर्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 3/15 है, तो 3/15 किस में है, प्लस में है, तो इसको हम कर देंगे माइनस के 3/15, इसको कर देंगे माइनस में, ये प्लस में था तो इसको हमने क्या कर दिया, माइनस में, तो ये हमारा हो गया एडिटिव यूनिवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये 10/12 है माइनस में, -10/12 है, तो ये किस में है, माइनस में, तो इसको हम किस में कर देंगे, प्लस में, तो 10/12 ये हो गया हमारा एडिटिव यूनिवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10/12 किस में है, माइनस में, ये किस में है, प्लस में, तो एक प्लस में है एक माइनस में, तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो 0 तो ये आएगा स्टूडेंट। अगर कोई संख्या एक प्लस में है और एक माइनस में है, जब उन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा। 10/12 प्लस में है, एक माइनस में, तो प्लस में से ये माइनस चला तो 0 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा एडिटिव यूनिवर्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 16/-9, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट कि कभी भी डिनोमिनेटर की संख्या में माइनस में नहीं होता, तो ये यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया, तो इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस के 16/9। ठीक है, कभी भी माइनस में डिनोमिनेटर की संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन के लिए, तो इसको हम माइनस के 16/9 लिख सकते हैं, तो ये हमें संख्या किस में है, माइनस में, तो इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया एडिटिव यूनिवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस का 19 और माइनस के 11, तो माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बचा, 19/11, ये तो बचा। अब ये 19/11 किस में है, प्लस में है, तो इसका एडिटिव यूनिवर्स क्या होगा, आपको माइनस में कर देना है, तो माइनस के 19/11। ठीक है, तो ये इसका हो गया स्टूडेंट एडिटिव यूनिवर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था एडिटिव यूनिवर्स निकालने का तरीका स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीके से बताया हूँ कि एडिटिव यूनिवर्स कैसे निकालते हैं और एडिटिव यूनिवर्स होता क्या है। तो एडिटिव यूनिवर्स क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर आपको दिया हो तो उसमें ऐसा हम कौन सा नंबर प्लस करें कि हमें 0 प्राप्त हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में एडिटिव यूनिवर्स आपको अच्छे से समझ में आया स्टूडेंट। अगर अच्छे से समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट।